press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैकबोर्ड का क्लास 10 का सब्जेक्ट इंग्लिश का सेट 4 और आज से ही आपका रिवीजन क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, तो चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेट को। इस सेट के सॉल्व होने के बाद मैं कुछ ही घंटों में आपको रिवीजन क्लास भी दूंगा और हो सकता है ये रिवीजन क्लास लाइव हो, ये भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, आपका एक पैसेज दिया हुआ है कोल तार के बारे में। ठीक है, कोल तार इज अ ब्लैक एंड स्टिकी फॉर अ लॉन्ग टाइम। पीपल थॉट ऑफ इज अ नॉइजेंस। दिस ऑयली स्मेलिंग सब्सटेंस ब्लॉक अप द पाइप सो गैस मेकर्स वॉश इट आउट एंड ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट। सम ऑफ इट वॉज अ वॉश बट दिस एविल स्मेलिंग नॉइजेंस हैज been found to be one of the most useful of raw material in the world. From its chemist is able to make almost anything he wishes, from the medicine to explosive, from dyes to disfigurements. The most important things made up from coal or tar are dyes. More than 900 different coal tar dyes are in common use. Many important machines are made from coal tar and carbolic acid in one such. Another is used for dentist when he pull out a tooth. It denies the nerves in the gums so that no pain is felt. Why was coal tar considered a nuisance? तो इसका आंसर क्या होगा? Coal tar was considered a nuisance as it blocked up the pipe so the gas makers and cook makers wash it out. आगे चलते हैं। What uses of the coal tar are mentioned in the passage? तो chemists make medicine, explosive, dyes etc. from coal tar. आगे चलते हैं। नेम अ मेडिसिन मेड फ्रॉम कोल तार मेंशन इन द पैसेज। तो कार्बोलिक एसिड है। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस। कोल तार इज डैश एंड डैश, तो ब्लैक एंड स्टिकी। व्हेन डज अ डेंटिस्ट यूज द मेडिसिन दैट कम्स फ्रॉम कोल तार? तो इसका आंसर क्या आपका? अ डेंटिस्ट यूज अ मेडिसिन मेड फ्रॉम कोल तार व्हेन ही पुल्स आउट द टूथ। आगे चलते हैं। मेक अ सेंटेंस विद द फ्लोइंग वर्ड। सेंटेंस बनाना, ठीक है ना, इस वर्ड से। डिसिफिकेंट्स, तो ट्यूबर सेल बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टेंट टू केमिकल डिसफिकेंट्स देन अदर बैक्टीरिया। चलिए आगे चलिए। मेटेरियल्स, आई एम नॉट अबाउट टू वेस्ट माई बेस्ट मेटेरियल ऑन अ मैसेज। गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोल तार लिख सकते हैं। तो अब राइटिंग सेक्शन पे आते हैं। किसी एक को करना है, ठीक है। इसमें इट रिलेटेड टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रांची अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर टाउन। तो ये आपका फॉर्मल लेटर है, तो इस पर देख लेते हैं। पहले सेंडर का एड्रेस होगा, फिर डेट होता है, फिर फॉर्म में देखिए द एडिटर द एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का नाम, कहाँ से पब्लिश हो रहा है ये न्यूज़पेपर, रांची से पब्लिश हो रहा है। तो सब्जेक्ट देखिए, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मुंडा एवेन्यू। ठीक है, डियर सर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू हाईलाइट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मुंडा एवेन्यू रांची। आई होप दिस लेटर अवेकन द कंसर्न अथॉरिटी फ्रॉम देयर स्लम्बर, फ्रॉम रिमीडियल स्टेप विल बी टेकन टू सेट द थिंग राइट। द रेसिडेंट ऑफ मुंडा एवेन्यू हैव अंडरगो अनटोल्ड सफरिंग ड्यू टू द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन समर व्हेन ही मर्करी शूट अप टू 46 डिग्री सेल्सियस। द हेल्पलेस रेसिडेंट स्पीस स्लीपलेस नाइट। देयर हैव बीन मेनी सफर्स मेनी थेफ्ट इन द एरिया। द लो वोल्टेज हैज बीन अ रेगुलर प्रॉब्लम। द वर्स्ट सफर्स आर द स्टूडेंट, दे हैव टू स्टडी इन द कैंडल लाइट एट अ नाइट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। The erratic and irregular supply of power speak volumes of the efficient working of the JESCO. A delegation of the residents met the minister in the regard. He assured them of a regular supply of electricity in the area. We hope the JESCO will make a provision for the regular supply of electricity in the area. And uninterrupted power supply to the resident of Mundha Avenue in future. So yours faithfully, Sanjay Srivastava. ठीक है, आगे चलते। Write a letter to your friend congratulating him on his success. ठीक है, तो पहले एड्रेस हो गया मार्केट एरिया माइटन डैम 1st March 2020। माई डियर आसा, आई होप यू आर इन अ गुड हेल्थ एंड इन द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव सिक्योर 95% मार्क्स इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जाम। यू हैव रियली वर्क hard and you deserve this success. I am proud of you. I congratulate you on your brilliant success in the examination. Now you have a bright future awaiting you. You can easily compete in any career of your choice. I am sure you will get a scholarship. When you come here, he will celebrate your
सक्सेस अपन योर टाइम। ऑल योर फ्रेंड्स आर इरेगुलरली वेटिंग फॉर योर अराइवल एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग टू यू अगेन। तो प्लीज पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। ठीक है, योर सिंसियरली अजय। आगे चलते हैं, अब देखते हैं पैराग्राफ दिया हुआ माई बेस्ट फ्रेंड और हार्मफुल इफेक्ट, दोनों में से किसी एक के बारे में लिख रहा। तो माई बेस्ट फ्रेंड पे पहले देख लेते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज आदित्य, ही इज माई क्लासमेट एंड वी सिट टुगेदर इन द क्लास, वी ईट आवर लंच टुगेदर इन द रिसेस, वी हेल्प ईच अदर इन द स्टडी एंड एक्सचेंज नोट्स व्हेन नीडेड, वी ऑल्सो नो ईच अदर फैमिलीज वेरी वेल, वी ऑफ्टन विजिट ईच अदर हाउस ड्यूरिंग फैमिली फंक्शन और फेस्टिवल, वी हैव डिसाइडेड टू नेवर मिस स्कूल एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट द टीचर, इज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन एंड इज अमंग द टॉप स्कोरर्स ऑफ द स्कूल, ही टेक्स पार्ट इन एनी ऑल द स्कूल कॉम्पिटिशन, आई एम प्राउड ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड आदित्य। आगे चलते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग टी वी पे देख लेते हैं। ठीक है, तो वॉचिंग टेलीविजन इज अ पार्ट ऑफ एंड पार्सल ऑफ एवरी चाइल्ड रूटीन, इट बिकम्स अ इमेंसली इंपॉर्टेंट ऑफ अ पेरेंट्स टू कीप अ टैप ऑन देयर चिल्ड्रन इन रिगार्ड टू व्हाट दे आर वॉचिंग एट इट फर्दर ऑन गोज टू सेव देयर थॉट एंड एटीट्यूड। If you spend too much time in watching television, you may be wasting valuable time that might be spent on more useful activities such as socializing with friends, working, going outside and other similar things. Spending too much time watching TV might limit your social engagement, which can have a long-term impact on your language and social ability. The inability to focus and pay attention to other things spills into other area of life, including academics and sports. You may find it difficult to engage in creative, psychological and relaxing hobbies such as yoga, painting and so on. When you watch too much television, you run the risk of acquiring lazy eye syndrome. It is possible to have a hazy or decrease of vision that cannot be corrected by your glasses or lenses. TV addiction also creates an unhealthy lifestyle and a lack of exercise, both of which have negative effects on the heart and brain. This can eventually lead to heart disease and closed arteries. ठीक है, write a paragraph on your visit to a book fair. ठीक है, तो book fair पर लिखना आपको। ठीक है, तो last month the book fair was held in Patna. It was organized in the Gandhi Maidan. Different publishers had put up their stalls and displayed their books and publications in this stall. A large number of publishers, including some prestigious publishers like Rajkamal Publications, Rajpal and Sons, Vani Prakashan, etc., were participating. A thousand of book lovers and teachers and students from various institutions all over the state visited the book fair. Special concessions were given to a teacher and a librarian's books on almost all subjects under the sun, published by a variety of publishers, could be seen under one canopy. Different temporarily set up shops may attractive gifts were also being given with bulk purchase. I visited the fair of 3 and 4 hours every day and made purchases. I could get some rare books in the fair. The fair provided an excellent opportunity to one and all to buy the books of their choice at the one go. Such books fairs should be organized every year in all major cities of the country. Aage dekhte, fill in the blanks. Buy a chewable. Choosing a suitable option given in the blood test. ठीक है, each and every person dash to go. तो इसका आंसर क्या होगा? Has. He dash cooking in his leisure time. तो इसका आंसर क्या होगा? Enjoy. He is so weak that walk. तो इसका आंसर क्या होगा? Cannot. आगे चलो literature portion पे देखते हैं। तो पहले आपका एक stanza दिया हुआ है, इस पर एक क्वेश्चन पूछा, all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. तो ये किससे लिया गया? आपका name the poem from where this extract has been taken. तो the trees. Who has been written this line? To Adrian Rich. Why do the roots work? The roots work all the night so that they can see themselves from the walls put around them by humans. ठीक है, आगे चलते, read the given passage and answer. The river Kaveri obtains its water from the hills and forest. Kurg Mahasi, a large fresh water fish, abounds in this water. ठीक है, आगे चलते, from where does Kaveri obtain this water? The river Kaveri obtain its water from the hills and forests of Kuru. So, ab dekhiye, that is marsh small fish. No, false hai. Marsh a large fresh water fish. Large and fresh water fish. What does abound mean? So,
टू प्रेजेंट इन अ लार्ज नंबर और इसको बोल सकते हैं इन अ ग्रेट क्वांटिटी, ठीक है। मेंशन थ्री थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट। तो यू ह्यूमंस आर नेवर सेटिस्फाइड विद देयर लॉट बट एनिमल्स आर ऑलवेज कंटेंटेड। एनिमल हैव क्लियर कंसिस्टेंस एंड डोंट वीप ओवर देयर सिंस एट अ नाइट लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एनिमल डोंट बॉर्डर देयर हेड्स वेदर दे हैव डन देयर ड्यूटीज टूवर्ड्स गुड और नॉट। ह्यूमन्स आर ऑलवेज टॉर्मेंटेड विथ दिस थॉट्स, ठीक है। आगे चलते हाउ वुड असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। तो आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट ग्रिफिन हैड डिस्कवर हाउ टू मेक अ ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। दिस वॉज अ बिग अचीवमेंट। हाउ एवर ही मिस यूज हिज डिस्कवरी फ्रॉम पर्सनल गेन्स एंड फॉर अ हर्टिंग अदर। दस दो ही कैन टर्म एज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही वॉज नॉट एबल नॉट अ नोबल वन, ठीक है। नोबल वन नहीं मिला क्योंकि अपना जो साइंटिस्ट बनने के बाद उसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो समाज के हित में नहीं समाज के अगेंस्ट किया था, ठीक है। हॉरिस डेनबी वॉज अ मिसलियस प्लानर बट स्टिल ही एज अ फ्लेटर। वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई। तो हॉरिस डेनबी फेल टू गेट एनफ इंफॉर्मेशन अबाउट रियल ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस। ही सीम टू बी टू ऑक्यूपाइड विथ अ कलेक्टिंग अदर लिटिल डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउस मैप एंड वायरिंग एंड अ लोकेशन ऑफ अ वैल्यूएबल थिंग्स। ऑल्दो ही वॉज अ स्मार्ट एनफ टू नो द डॉग्स एक्चुअल नेम बट ओवरलुक्ड गेटिंग आइडेंटिटी ऑफ ईच एंड एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस। वंस ही वॉज इन अ प्रॉब्लम देन प्रोबेबली हिज क्लेवर माइंड गेव वे टू क्लियरनेस लीडिंग हिम टू ओपन द सेफ विदाउट वेयरिंग ग्लोव। हाउ डिड होली टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। होली टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। She was polite and friendly with touched her heart. She encouraged her every time and was affectionate towards her. The teacher transformed her into a confident person who could read, write and speak clearly. This gave her the required confidence. Moreover, teacher appreciation and encouragement helped her overcome her low mood. Each bread an important part of a Goa life. How did you know? Yes, bread is an important part of Goa life. We know this because the important festival Goanese can't be celebrated without ball and sweet bread. Bolinas need to be prepared during a Christmas and other festivals. The mothers used to prepare a sandwiches on the occasion of their daughter engagement. So a breaker's funeral is essential. How did Wali save up a money for her first journey? Was it easy for Wali had very patiently saved her stray coin that came her way by resisting every temptation to buy up peppermints, toys, balloons, etc. It had been very difficult for her. Even at the village fair, she resisted the temptation to be on the merry-go-round. Thus, she had been able to save 60 paise for her first bus journey. So, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आइए ये आपका सेट पूरा तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अभी से कुछ देर बाद हम लोग रिवीजन करेंगे आपका टर्म टू में सोशल साइंस का। तो इसके लिए बने रहिए स्टूडेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।